आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो यार आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका है PUBG मोबाइल लाइव की, और इस वाली वीडियो में ना तबाही होने वाली है। तो यार सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गाइस अब ऐसे चलते हैं, अब करते हैं सीधा अपने गेम में चलते हैं, है ना गाइस, अब सीधे चलते हैं अपने गेम में। So yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माई वीडियोज। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ भाई। और यार आज मैं खेल रहा था अपनी स्क्वाड के साथ, मतलब स्क्वाड नहीं, ये समझ लो गाइस, ये लोग थे मेरे सब्सक्राइबर। मैंने एक गेम खेला था तो भाई ये मुझे मिले, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जानते हैं कि आप जैड कॉपी गेमिंग हो, ये वो ऐसी बात ही जीत होने लगी। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई दूसरा मैच भी खेलेंगे, तो आ गए। अब आप ये लोग देखो भाई, मेरी लैंडिंग काउंट ये बिल्कुल घर की नोक पे। अब उतरते ही यार मैं लूटने लगता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ होते हैं, भाई भाई हेलो 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 हमें भी ले लो वीडियो में। पर यार मेरे एक बात होती है कि भैया मैंने अगर माइक खोला तो यार एक्स रिकॉर्डर की वो बंद हो जाती है, मतलब मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने माइक नहीं खोला। फिर मैं इस साइड आता हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ी सी यार गने वने लूट लेते हैं। पर गाइस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना भाई। तो उधर को आते हैं यार, क्योंकि यार आज की वीडियो में आपको बहुत खतरनाक दो दो स्क्वाड वाइप करने वाला हूँ मैं, मतलब खतरनाक ही था भाई। तो गाइस अब इधर आते हैं, अब हमें एक आग का गोला मतलब ग्रेनेड मिल जाता है। अब कोई बात नहीं, ये अपना ओ भाई मैं तो डर ही जाता हूँ कि भैया कौन खड़ा है ये। कोई बात नहीं, आगे को चलते, फिर आग के गोले। चलो अब मिली ना यूजी, बढ़िया गन है यार यूजी भी, इसे उठा लेते हैं। फिर आग के गोले भाई, आज क्या तबाही मचवाने वाले हैं ये भाई। इन्हें फिनिश करा सबसे पहले और फिर लूटने लगते हैं गाइस। इनके पास से मिल जाती है हमें UMP5, वाह भाई UMP5 सही है। तो अब यार जल्दी जल्दी गोलियां लूटते हैं और चलते हैं अपने और बंदों की तलाश में। एक तो यार ये हमारे बंदे सब्सक्राइबर बहुत बड़े वाले थे भाई, कह रहे थे पैन फाइट करो, मैंने कहा पैन वैन फाइट नहीं करनी भाई हमें, ऐसे ऐसे नहीं। तो यार मैंने कहा कॉन्क्रीट पहुँच रहा है भाई, पैन वैन फाइट नहीं। तो देखो एक और चच्चा दिख जाते हैं इधर, अब वो चच्चा ऐसे भागते हुए जाते हैं, देखो इन्हें भी मारते हैं आप सबसे पहले। ये लो भाई तुम भी जाओ भाई लॉबी में जाओ। ये देखो ये वाला सब्सक्राइबर हमारा किल चुरा रहता है, तो कहता सॉरी भाई, मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू भी खेल ले आराम से। फिर मैं यार इनसे बचने भागता हूँ, मैंने कहा यार ये तो किल ही चुराए जा रहे हैं, पहला नंबर मैंने चुरा लिया, अब ये चौथे नंबर ने चुरा लिया, क्या हो रहा है ये। अब मैं इस साइड पे आता हूँ यार, मेरी तलाश थी भाई Kar 98 मिल जाए या AK मिल जाए, कुछ नहीं मिलती है भाई। गाइस ऐसा हो रहा था बिल्कुल, आज था ना स्नाइपिंग करने का मूड, तो आज Kar 98 की नहीं मिली। ऊपर से ड्रॉप पे इतने बंदे थे वो आपको एंड पे पता चलेगा। ये देखो एक और बंदा दिखता है, इसे मैंने मार दिया, 2 किल हो जाते। अब मैं सोचता हूँ कि पहले नंबर को बम से उड़ा दूँ, पर गाइस मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा यार अपने ही टीम मेट है कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आके मैं लूटने लगता हूँ गाइस, तभी एक और बंदा मुझे सामने की साइड पे दिखाई देता है, और भाई ये बंदा इतना खतरनाक होता है, मतलब गाइस भागे जा रहा था, रुक नहीं रहा था एक सेकंड भी। मैंने कहा भाई कहाँ इतनी जल्दी है, कल सुबह पनवेड़ निकलना है क्या तुझे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा भाई कल सुबह पनवेड़ निकलना है, जल्दी से वो घर में को भागते हुए जाता है। मैंने कहा चल रुक भाई, तुझे भी आज खत्म ही करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने वाला मैं। अब देखता हूँ यार मैं कहीं नहीं दिखता, पता नहीं कहीं छुपके बैठ जाता है। देखो अभी बाहर को आता है, ऊपर से UMP का रिकॉल इतना खराब होता है साला, ऊपर को चली जा रही थी। कोई बात नहीं गाइस, अब इस साइड पे आते हैं हम, वो देखो ड्रॉप, और यहाँ पे मुझे एक जीप खड़ी हुई दिखाई देती है। मैं थोड़ा सा दूर आ देता हूँ अपनी टीममेटों से, मैं सोचता हूँ गाइस कि भाई अगर इनके पास आ गए ना तो यार ये तो किल ही चुराए जा रहे हैं, हमारा ऐसी काम हो जाएगा। अब मैं इस साइड पे आता हूँ, मैंने कहा यार गोलियों का साउंड आ रहा है पर बंदे कहीं दिखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग चुके हैं सारे। अब मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, तभी एक ये सांप बना हुआ दिखता है हमें, नागिन डांस कर रहा था वो, पर कोई बात नहीं हम इसे भी छोड़ देते हैं, छोड़ गया देते है इस नॉक था वो बंदा, क्या मारते उसे। अब यहाँ पे मुझे एक और बंदे का साउंड आता है, पर यार सब डरपोक होते हैं, कोई मर्द ही नहीं होता पूरे गेम में, ऐसे छुप छुप के खेल रहे, तो वो नागिन डांस कर रहा था। अब यहाँ पे ये बंदा दिखता है, इन बंदे को भी कल सुबह पनवीर निकलना था, तो बड़ी जल्दी भाग के जाते हैं घर में, और घर में घुस के बैठ जाते हैं और डांस करने लगते हैं गाइस, गानों की आवाज़ यहाँ तक आ रही होती है। और ये लो भाई इन्हें भी ख़त्म करने वाले थे पर भाग गए, किस्मत का अच्छा था गाइस। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ी इधर की साइड पर आता हूँ, बंदा मैंने सोचा आप नहीं बंदे नौके, यहाँ पे जीप भी खड़ी हुई दिखती है यार, पर मुझे ऐसा होता नहीं कुछ के इसके टीममेट वीममेट होंगे। और मैं आगे की साइड पर जाने लगता हूँ, तभी भाई मैं देख रहा हूँ भाई कहाँ छुप के बैठ गया गाइस, एंगल के चक्कर में बंदे ही गायब है भाई, क्या था इसके पास शक्तियाँ वक्तियाँ आए तेरे पास कोई चीज़ गाइस, काला जादू करके आया था, गायब हो गया पूरा बंदा। अब यहाँ पे मुझे Level 3 की वेस्ट मिल जाती है, मैंने कहा चलो सही है Level 3 की वेस्ट उठा लेते हैं भाई। और आगे की साइड पे बंदे दिख ही नहीं रहते बिल्कुल, पता नहीं यार कहाँ ही भाग चुके हैं, कोई पता आता पता नहीं है भाई इनका,
थोड़े हष्ट-पुष्ट बंदे आओ गाइस, थोड़े ताकतवर पहलवान आओ। ये क्या पोलियो के मारे बंदे आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब आप सोच ही सकते हो इतने पोलियो के मारे बंदे हैं ये कि डर है ऐसे रहा है, पता नहीं क्या ही खा जाऊंगा मैंने। भाई तुम्हें क्या होगा, पिट के लॉबी तो जाओगे बस, तो आ जाओ पिट लो, पर पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं तभी। अच्छा अब पहला ही नंबर है, मुझे लगा बंदा मिल गया, कोई बात नहीं, ये पहला नंबर भी हमारा पीछा थोड़ी छोड़ेगा, सब्सक्राइबर क्या कह के किल चुरा रहा है, कोई बात नहीं इसे भी ले लेते हैं साथ में। और ये देखो चौथा भी, भाई साहब मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो देखो जीप खड़ी हुई दिखती, मैंने कहा बंदा होगा पक्का, मुझे यकीन हो गया। और तभी मुझे बंदा भी दिख जाता है सामने की साइड पर, अब देखो ये निकला। पर गाइज ये बहुत ही वाला क्या ही बताऊंगा इसमें, अब ये बिल्कुल ख़त्म घर में घुस के बैठ जाता है, ना अगेन डांस। अब कोई बात नहीं इसे भी छोड़ते हैं। अब साइड की यार मैं कहता हूँ भाई तुम हो क्या यार, इतने डरपोक हो यार तुम। हाँ नहीं तो ऐसे तो सोलो में खेलना चाहिए था मुझे, पता नहीं क्यों स्क्वाड में आ गया आज। आज गाइस ये पहला गेम प्ले मेरा। अब ये बंदे बुलाने लगते हैं, आओ भाई गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैंने कहा चलो गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ। पर यार ये बंदे इतने बड़े वाले नूबड़े होते हैं ना, ये आपको एंड में पता चलेगा, क्योंकि गाइस अभी तो ये भूटों को मार मार के खुश हो रहे हैं कि भाई हमसे ज़्यादा कोई प्रो ही नहीं है। अभी आप नूबड़ा बनती इनकी देखना गाइस, अभी आपने देखी थोड़ी है इनकी नूबड़ा बनती। अब वहाँ भी एक बंदा दिखता है, मैं इसे मारने के लिए उतर जाता हूँ। भाई ये एक बोट का किल के लिए अपनी पूरी गाड़ी रोक लेते हैं, और इसी गाड़ी ने हमें मैच हरवाया था। अब आप जैसे देख ही लो, अब मैं इस साइड पर आता हूँ, इस बंदे को गोलियां पड़ती हैं, भाई बोट से पिट रहा था ये बंदा। भाई मैं इसे कुछ कहना नहीं चाहता, अपना सब्सक्राइबर था, पर भाई मुझे भी गुस्सा आता है यार, कॉन्ग्रोल पुश कर रहा था मैं, इसलिए भाई क्या ही बताऊँ। अब कोई बात नहीं गई, अपने ही सब्सक्राइबर सह लेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा सह लेंगे थोड़ा। अब कोई बात नहीं आगे की साइड पे जाते हैं। अब मुझे यहाँ से आ रहा होता बंदे का साउंड बहुत ही खतरनाक, कोई बात नहीं देखते हैं यहाँ पे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देखो गाइस नागिन 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 नाग, ये भी नागिन बना पड़ा था, और पीछे की साइड से इसका टीममेट इतना बड़ा वाला था कि भाई साहब देख लो गाइस ऐसे करते हैं बंदे को, ये नाइंसाफी है गाइस, इसका कोड में बदला लिया जाएगा। भाई एक तो बंदा लेटा पड़ा ऊपर से पीछे से आके उनने पेल दिया, कोई नहीं अपने बंदों को देख लेते हैं। अब गाइस हमारे बंदों की जरा नूबड़ा बनती देखी जाए। अब ये बंदा होता है भाई, वो तो बंदा बता दिया इतनी सी हेल्थ पे ही उस वाले बंदे को मार देता है, फिर ये नहीं कि भाई फिनिश करें, चलो सही है इसकी बात, हेल्थ लगाने रुक जाता है। पर इससे शॉटगन भी चलाना नहीं आती, नूबड़े तो इस कार ही चला लेता। देखो गाइस शॉटगन चलाना नहीं आती, अब पिटेगा यहाँ पे भाई साहब, दो बंदे नॉक करे इनने। अब जरा थोड़ा सा गाइस देखते जाओ आप, ये पिट गया, पीछे से गाड़ी वाला बंदा आया ठोका निकल गया, भाई इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सो गाइस आज की वीडियो इतनी, यार ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कर देना यार ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बता देना यार। और यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और हां भाई पिछली बार मत घूमो, भूलना मत, और लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके देना, ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बता देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।